19 मई दिन रविवार, एक हेलीकॉप्टर हादसे की खबर ने पूरी दुनिया को सन्न करके रख दिया। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहेन की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई है। दुनिया भर के सभी लीडर इस खबर को सुनने के बाद हैरान थे। किसी देश के राष्ट्रपति को लेकर ऐसी अचानक दुखद खबर सामने आएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी पूर्वी अजरबैजान प्रांत में बांध का उद्घाटन करके लौट रहे थे और तभी उनका हेलीकॉप्टर घने कोहरे में पहाड़ी इलाके को पार कर रहा था। इसी दौरान ये हादसा हुआ और हेलीकॉप्टर क्रैश होकर जमीन पर गिर पड़ा। इस हादसे में राष्ट्रपति और विदेश मंत्री समेत 9 लोगों की मौत हुई है। ईरान को रायसी की मौत का गहरा सदमा लगा है। रायसी को ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई का उत्तराधिकारी माना जाता था। खामनेई भी जल्द ही रायसी को अपना पद सौंपने वाले थे। इब्राहिम रायसी ने जब जून 2021 में ईरान की सत्ता संभाली तब उनके सामने घरेलू स्तर पर कई चुनौतियां थीं। ईरान के सामाजिक हालात मुश्किल थे और अपने परमाणु कार्यक्रम की वजह से अमेरिकी प्रतिबंध झेल रहा ईरान गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। लेकिन रईसी ने हर मुश्किल का डट कर सामना किया। इसराइल पर हमास के हमले के बाद इसराइल की सख्त सैन्य प्रतिक्रिया ने ईरान के लिए मुश्किल बढ़ाई, लेकिन रईसी पहाड़ की तरह मजबूत खड़े रहे और हमास का साथ देते रहे। लेकिन शिया बहुल देश को लीड करने वाले रायसी के बारे में हर कोई जानना चाहता है कि रायसी कहां से संबंध रखते थे और सत्ता में कैसे आए। इब्राहिम रायसी का जन्म साल 1960 में उत्तर पूर्वी ईरान के पवित्र शहर मशहद में हुआ। इसी शहर में शिया मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र माने जाने वाली मस्जिद भी है। वे कम उम्र में ही ऊंचे ओहदे पर पहुंच गए थे। रायसी के पिता एक मौलवी थे। रईसी जब सिर्फ 5 साल के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था, लेकिन रईसी अपने पिता की तरह पढ़ाई को तवज्जो देते थे। इसी के साथ उन्होंने पश्चिमी देशों से समर्थित मोहम्मद रजा शाह के खिलाफ प्रदर्शनों में भी हिस्सा लिया था। सिर्फ 20 साल की उम्र में ही उन्हें तेहरान के करीब स्थित कराज का महाअभियोजक नियुक्त किया गया था। रईसी जब सिर्फ 25 साल के थे तब वो ईरान के डिप्टी प्रोसिक्यूटर बन गए थे। बाद में वो जज बने और साल 1988 में बने उन खुफिया ट्राइब्यूनल में शामिल हुए जिन्हें डेथ कमेटी कहा जाता था। साल 2014 में वो ईरान के महाभियोजक बन गए थे। ईरानी न्यायपालिका के प्रमुख रहे रईसी के राजनीतिक विचार अति कट्टरपंथी माने जाते थे। उन्हें ईरान के कट्टरपंथी नेता और देश के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह अली खामनेई का करीबी माना जाता था। जून 2021 में उदारवादी हसन रूहानी की जगह इस्लामिक रिपब्लिक ईरान के राष्ट्रपति चुने गए थे। बता दें कि इसराइल और ईरान दोनों 1979 तक एक दूसरे के सहयोगी हुआ करते थे। इसी साल ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और देश में एक ऐसी सरकार आई जो विचारधारा के स्तर पर इसराइल की कट्टर विरोधी थी। अब ईरान इसराइल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता और उसके पूरी तरह से खात्मे की वकालत करता है। दोनों देशों के बीच ये दुश्मनी गाजा युद्ध के बाद और ज्यादा बढ़ गई। वहीं इसराइल भी कहता है कि ईरान उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। इसराइल कहता है कि ईरान फिलिस्तीनी हथियारबंद समूहों और लेबनान में शिया गुट हिजबुल्ला को फंड करता है।